मथुरा के गोवर्धन तहसील में होने वाले बार एसोसिएशन के चुनावों के नजदीक आते ही वकीलों की सक्रियता बढ़ गई है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए होने वाले इस चुनाव में वकीलों ने अपने अपने पक्ष में प्रचार कर अपने लिए वोट मांगे और अपने लोक लुभावन वादों से वोटर वकीलों को आकर्षित करने की कोशिशें की। अध्यक्ष पद के लिए जहां दो प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं सचिव पद के लिए चार प्रत्याशियों में प्रतिस्पर्धा है। सभी प्रत्याशी वकीलों की समस्या और उनके समाधान से लेकर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बोलते हुए नजर आए। एक चीज और गौर करने वाली देखी गई कि जिस इमारत के नीचे यह वकील अपनी वकालत करते हैं, वो बेहद ही जर्जर हालत में है और प्रशासन का पूरा महकमा तक यही काम करता है। बावजूद इसके आज तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं है और इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये जो बार है हमारी, ये अनरजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर्ड कराना है। सबसे पहले रजिस्टर्ड कराना, प्रायोरिटी किसी मुद्दे को दी जाए। सेकंड जो मुद्दा है मेरा वो है कि यहाँ पर जो है रिकॉर्ड रूम की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पिछला पुराना जो रिकॉर्ड रहता है वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो पुराने रिकॉर्ड से होते हैं। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो है यहाँ भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि उस भ्रष्टाचार को भी कम करने का मेरा इरादा है, लेकिन वो सब वकील लोगों, भाई लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। अगर सहयोग करा किया मेरा, तो मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा, भ्रष्टाचार को कम रजिस्टर्ड कराऊंगा। बार को रजिस्टर्ड है और यहाँ पर 52 लोगों ने पिन सेट डाल रखी है और जो वकील है उनके कुछ नहीं है, तो उनके लिए पिन सेट डलवाऊंगा। और किसी भी अधिवक्ता के साथ अप्रिय घटना घटती या कोई अभद्र व्यवहार करता है, उसके लिए मैं पूरी हिम्मत करके, पूरी शक्ति लगा के उसका सम्मान बचा। और ये जो पूरी वकालत यहाँ आप देख रहे हैं जर्जर बिल्डिंग के अंदर चल रही है, इसके लिए आपने कोई प्लान सोचा है अभी? मैं बता तो रहा हूँ सर, ये मैं वो टिन सेट लगवाऊंगा, ये कभी भी गिर सकती। हाँ, इसको आपने वो मुद्दा बनाया है अपने चुनाव का? बनाया।